तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए 6 वाट का बोर्ड MV कलेक्शंस का। आपने मार्केट में देखा होगा, क्या कहते हैं, आपको ज़्यादातर जो मिलेगा ना वो 5 वाट का बोर्ड मिलेगा, बट ये हमने और अच्छी क्वालिटी में बनवाया हुआ है, ये 6 वाट आउटपुट दे देता है आराम से। तो इसको बाय करने के लिए इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो फ्लिपकार्ट में जाकर बाय कर सकते हैं। लिंक से आप खोलेंगे तो वो फ्लिपकार्ट में जाएगा MV कलेक्शंस के पोर्टल पर, तो वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। और ये हमने सबसे चीपेस्ट रेट पर डाल रखा है और सबसे बेस्ट क्वालिटी में है। तो आज मैं इसका रिव्यू दे रहा हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे करनी है और ये कैसा आउटपुट देता है, ये सब आपको दिखाने के लिए। तो इसको पावर देने के लिए हमें चाहिए होता है 5 वोल्ट DC। तो इसमें पीछे लिखा हुआ भी है, ये आपको दिखेगा नहीं साफ, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें जूम इन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जो रेड वाला जो आपको दिख रहा है कनेक्टर, इसमें आपको देना है 5 वोल्ट DC, ठीक है। और ये जो वाइट वाला है ये है स्पीकर आउटपुट, यहाँ से आपको स्पीकर कनेक्ट करना है, यहाँ से आपको पावर देनी है। तो इसको पावर देने के लिए मैं यूज़ करूँगा पावर बैंक, ये पावर बैंक में मैंने इसमें केबल कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो इस केबल को मैं इसमें लगा देता हूँ जिससे ये ऑन हो जाएगा। तो पहले हम इसमें स्पीकर कनेक्ट कर देते हैं, ये देखिए ये मैंने स्पीकर का पिन लगा दिया है। और जो मैं इसमें स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ, ये 15 वॉट का स्पीकर है 8 ओम का, ये 4 ओम का भी स्पीकर नहीं है यार, ज़रूरी है आप। तो इसमें जो मैं स्पीकर यूज़ कर रहा हूँ ये है 15 वॉट का, वो भी 8 ओम का। तो इसमें अगर हम 4 ओम का भी 15 वॉट का स्पीकर चलाते तो ये और अच्छा आउटपुट देता। और इसमें अगर हम इसकी 6 वॉट का आउटपुट है, अगर इसमें हम 6 वॉट का लगाते हैं तो इसमें 6 वॉट के स्पीकर को तो ये बिल्कुल हिला देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये मैंने 15 वॉट का स्पीकर लगा रखा है, ठीक है। तो इसको मैं पावर कर देता हूँ, ये देखिए इसमें ब्लू कलर के Mint to smell. ये ब्लूटूथ मोड पर आ चुका है। इसको मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ, Paired. ये देखिए कितनी जल्दी पेयर हो चुका है ये फ़ोन से। तो अब मैं इसमें आपको गाना प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ है इस छोटे से ब्लूटूथ की। और अभी इसकी आवाज़ फुल नहीं है, ये देखिए इसका ये मैंने वॉल्यूम लो कर दिया आपको दिखाने के लिए कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, एंड्रॉयड वाला जो स्लॉट होता है फ़ोन का, इसको मैं टाइप सी होता है मेरे ख्याल से, हाँ, तो टाइप सी का इनपुट दे रखा है जिसमें आप यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें पीछे बैटरी का ऑप्शन दे रखा है जहाँ पर आप आराम से बैटरी कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ से आप इसको पावर देकर चार्ज कर सकते हैं। ये मेरा पावर बैंक ऑफ हो गया है, इस वजह से ये ऑफ हुआ है। तो यहाँ से आप पावर दे सकते हैं इसको, इसमें जो बैटरी लगाएंगे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं DIY, तो उसको चार्ज करने के लिए यहाँ से आप पावर दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। और सबसे कमाल की बात ये है, इसमें पेन ड्राइव भी लग जाती है, आप इसमें पेन ड्राइव यूज़ करना चाहें, पेन ड्राइव से गाना चलाना चाहते हैं, पेन ड्राइव भी लग जाएगी। और माइक्रो SD कार्ड लगाना चाहते हैं तो माइक्रो SD कार्ड भी लग जाएगा। और अगर आप ऑक्स से चलाना चाहते हैं तो ऑक्स से भी लग जाएगा। इसमें जो आपको ये बीच में ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ये है मल्टी फंक्शन स्विच। तो इसके बारे में आपको बता दूं, इसको अगर आप एक बार ऐसे क्लिक करेंगे इस साइड तो ये नेक्स्ट हो जाता है सॉन्ग, अगर आप ब्लूटूथ से प्ले कर रहे हैं या फिर पेन ड्राइव से या माइक्रो SD से। तो आप इसको इस साइड प्रेस करेंगे एक बार सिंगल बार तो ये जो गाना है वो नेक्स्ट प्ले हो जाएगा। देन इसको अगर आप प्रेस करते हैं बीच में, ये देखिए बीच में भी प्रेस होता है ये, अगर आप इसको बीच में प्रेस करेंगे तो इससे सॉन्ग जो होगा वो प्ले और पॉज होगा। और इसको अगर इस साइड करेंगे ये प्रीवियस हो जाएगा। देन अगर इसको आप दबा कर रखते हैं ऐसे एक साइड, तो इस साइड से होगी वॉल्यूम अप, आपसे इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। और इस साइड अगर दबा कर रखेंगे तो इससे वॉल्यूम आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये है इस मल्टी फंक्शन स्विच का काम। तो अब मैं इसको ऑन करके आपको चला कर दिखा देता हूँ प्रॉपरली। तो ये मैंने पावर बैंक ऑन कर दिया, ये देखिए इसमें लाइट जल गई। अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए कितनी जल्दी कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ फुल वॉल्यूम पर, जो कि 15 वॉट का स्पीकर है। मैंने आपको कई बार बताया ये 15 वॉट का स्पीकर मेरे पास से कम वोल्टेज में नहीं था, 15 वॉट 8 ओम का स्पीकर है, जो कि इसके लिए काफ़ी हैवी है, बट फिर भी इसको ये अच्छा खासा बजा देता है। ये फुल वॉल्यूम हो चुकी है, ये बीप साउंड करता है जब हम फुल वॉल्यूम कर देते हैं, तो ये बीप साउंड आती है।
फोन में गाने कैसे चेंज हो रहे हैं, ये देखिए. नेक्स्ट, ये नेक्स्ट गाना चल गया अपने आप. ये देखिए, फिर प्रेस करूँगा, नेक्स्ट आ गया. ये प्रीवियस, और अगर मैं बीच में इसको प्रेस करूँगा तो ये पॉज हो जाएगा. ये देखिए कितना फास्ट वर्क कर रहा है. ये देखिए, अब इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं. और वॉल्यूम फुल के करने के लिए आपको इसको दबा के रखना पड़ेगा. ये पावर बैंक फिर से ऑफ हो गया है, कोई बात नहीं. तो ये थी इसकी वीडियो. अगर आपको ये बाय करना है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. काफ़ी छोटा सा बोर्ड है, एक तरह से इसको कह सकते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका. तो इसको आप अगर बाय करना चाहते हैं तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर फ्लिपकार्ट में भी आप जाकर सर्च कर सकते हैं MV Collections, MV देन उसके बाद स्पेस देन कलेक्शंस. तो उसमें आपको ये हमारा बोर्ड मिल जाएगा. और भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा.